लगभग 450 साल पहले पोर्चुगीज इसी रास्ते से यहाँ आए थे और 1961 में वो लोग जब वापस गए तो पीछे वो अपना कल्चर, आर्किटेक्चर और एक बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिक स्टाइल छोड़ गए जिसका नाम है फादो। आज हम उसी की तलाश में यहाँ गोवा हैं। Hi, I'm Sonia Shirshat and I'm from Goa and I sing the fads. Portugal was one of the first countries that set out on the discoveries. They sent voyagers and ships to discover new sea routes, new lands, and so the loved ones that remained back home sang fado, missing the ones who had gone on board. And the ones who went on board, the sailors, would sing fado, missing home. So that is basically the main emotion of the fado. आज सोनिया के साथ जो हम बॉलीवुड रिपब्लिक का नया गाना फोक मिक्स करने वाले हैं वो है मीनाक्षी टेल ऑफ थ्री सिटीज का ये रिश्ता क्या कहलाता है। जब ये गाना पहली बार सुना मैंने तो मुझे बहुत पसंद आया। इट्स वेरी कैची, मतलब एनी पर्सन हु लिसंस टू इट विल स्टार्ट मूविंग टू दैट सॉन्ग। Okay. So the rhythm you are playing, I find it very close to reggae. So what I was thinking, we can start with reggae and we can jump into bossa. Yeah, I don't know how it will sound, but so can we try it once? Ali ne to bahut sare ideas diye. Some of the suggestions were pretty out of the box, I would say. दिमाग में रेगे और बॉसा नोवा ये दोनों चीज़ें आसपास घूम रही थी। जब उनके साथ मैंने फैडो सुना तो रेगे बिल्कुल नहीं जमा गाने के साथ, ऑब्वियसली रिजेक्टेड। बॉसा इज लाइक वेरी क्लोज टू फैडो, इट्स अ ब्राजीलियन फॉर्म ऑफ म्यूजिक, चिल आउट म्यूजिक होता है, इट हैज गॉट सम ब्राइट एनर्जीज, यू नो, यू कैन झूम सकते हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है, करीब आ जाता है। When we heard Sonia's voice and the style she sings in, एकदम operatic लगता है उनका style. It's mesmerizing. It's powerful. In Indian music, I would compare fado to the ghazal. In a ghazal, you need वो दर्द, सो दैट द इमोशन दैट इज इन द पोएम यू कैन एक्सप्लेन एंड यू कैन सिंग प्रॉपरली। जो फादू चूज किया हम लोगों ने फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, उसका पोएम कुछ इस तरह है। एक लड़की इज वेटिंग ऑन द सी शोर फॉर लवर और पता नहीं वो वापस आने वाले हैं कि नहीं, और जो बुजुर्ग औरतें वहाँ पे बैठी हुई हैं वो उसको बोलती हैं कि वो नहीं आने वाला है लौट के, तो वो उनको पागल बुलाती है सॉन्ग लोकर। सो व्हेन आई थॉट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि वो वहाँ पे खड़ी हैं, वहाँ पे हर रोज इंतजार कर रही हैं कि वो वापस आएंगे, मुझे लगा ये रिश्ता जो है बड़ा अलग सा है। सो ये रिश्ता क्या कहलाता है। Ooh.
लगती है मैं दिल के करीब आ जाती हूँ दिल मेरे करीब आ जाता है पोर्चुगीज म्यूजिक हो या इंडियन म्यूजिक, म्यूजिक जब फोक होता है ना तो सीधा दिल को छूता है। ऐसे और दिल को छूने वाले म्यूजिक के लिए देखते रहिए बॉलीवुड रिपब्लिक, ओनली ऑन बिंदास प्ले।